जैसे इन्हीं विलोकत अनुराग, जैसे इन विलोकत अनुराग में देखा जनक के बरपस ब्रह्म सुखी मन त्यागा, निरंकार ब्रह्म को मन से त्याग दिया। जैसे त्यागा है जनक, कहा कि दशरथ नंदन है और हमारा यज्ञ पूर्ण करके आए हैं, हमारे साथ जनक आपके भी यज्ञ में आए हैं। जनक ने प्रणाम किया। जनक ने कहा, ऋषिवर आप अकेले आते तो आपको तपोवन महल में मैं रोकता, लेकिन आप परम सुंदर नवयुवक साथ आए हैं, तो आप जनक के परम सुंदर आज महल में आप प्रवेश करिएगा। और जनक ने कहा, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, हम दो मिनट में शादी के पास जाएंगे। भैया राम विवाह आज होना है इस प्रांगण में, और मेरे राघव भी तैयार हैं और जानकी भी तैयार है। हम 15-20 मिनट में धनुष को तोड़ करके जानकी को स्वयंवर में लाऊंगा। दो मिनट में इस प्रसंग को सब समझिएगा, प्रेम के साथ बैठ रहिएगा और भाव को समझिएगा। समय अनुसार हमने कथा तक जाना है। तो कहा गया कि जैसे राघव जनकपुर में गए हैं, जनकपुर महल में मेरे राघव भैया विश्राम करने लगे। प्रातः सायंकाल हुआ, जनकपुर में मेरे राघव घूमने गए हैं। संपूर्ण जनकपुर ने भैया छत से, झरनों से, दरवाजों से आज मेरे राघव का दर्शन किया है। और जैसे राघव वापस आए हैं, विश्राम किया है, प्रातः काल उठे हैं, गुरु सेवा वंदे आवे सारे की दातर आए, जैसे भैया प्रभु आज पुष्पाटिका में गए तो उसी समय जानकी आई, और राम कथा में आज जानकी राघव के पास पहली बार सामने आएगी, देखना। जैसी जानकी भैया पुष्पाटिका में आई है, जानका पार्वती भैया के मंदिर में पूजन करने गई है, आज अपनी 8 सखियों के साथ जानकी भैया पुष्पाटिका में। देखो राम कथा में 2 वाटिका है, ये पुष्पवाटिका है जहाँ जानकी आज 8 सखियों के साथ आई है, और आगे जाकर के एक और वाटिका आएगी जिसका जिसमें अकेली सीता होगी भैया, अशोक वाटिका। ये पुष्पवाटिका है वो अशोक वाटिका है। यहाँ ये भैया जनक की वाटिका है, एक सिद्ध पुरुष की, एक परम ब्रह्म संत की वाटिका है, और भैया लंका वाली अशोक वाटिका एक भोगी की, एक भोगी की भैया वाटिका है। भोगी के घर जाकर के भैया भक्ति भी उदासीन हो जाती है। सखियों के साथ आई है, और जैसे आई भैया पार्वती भैया के मंदिर पूजा करने गई है, एक सखी का मन नहीं लगा पूजा में, जैसे सखी का मन पूजा में नहीं लगा तो भैया सती आई, जैसे सखी का मन पूजन में नहीं लगा तो एक सखी मंदिर से खड़ी हुई और बाहर आ गई। जैसे सखी बाहर आई तो बाग में घूमने लगे, और सखी भैया बाग में घूमने लगी तो आज सखी ने पहली बार राघव को देखा। जैसे सखी ने पहली बार आज भैया पुष्पवाटिका में राघव को देखा, तो आज वो सखी दौड़ करके भैया जानकी के पास गई।
और उस सखी ने कहा कि जानकी जल्दी चलो, देखो एक बहुत सुंदर शाम गौर वर्ण नव युवक पहली बार जनकपुर में मैंने देखा है, आओ आप भी देखो। और जानकी ने चाहिए और ये जानकी माँ ने पार्वती से प्रार्थना की, क्या की, आइएगा। जय जय गिर भरे लाज किशोरी, भैया जानकी पार्वती से प्रार्थना करती कि जिसका मैं दर्शन करने जा रही हूँ वो साक्षात मेरा जगदीश्वर ब्रह्मांड नायक हो और मेरी कामना आज पार्वती मैया पूरा करना। माँ ने आशीर्वाद दिया, जानकी वाटिका में मंदिर से बाहर आई। आज जानकी ने जैसी राघव के साथ सामने पहली बार आई है, राघव ने जैसी जानकी को पहली बार देखा है और आज राघव ने जैसी पहली बार देखा तो राघव ने भैया लक्ष्मण से कहा, ओहो लखन, राघव ने कहा लखन देखो ये वही है जिसके कारण जनकपुर में शिव धनुष का यज्ञ है, जैसी लखन ने कहा यही है और जैसी जानकी ने देखा और आज राघव ने देखा तो राघव ने जानकी से कहा, ओहो जानकी हमने तो सुना था हम भी सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, लेकिन राघव ने कहा कि वाह मेरी लक्ष्मी मेरी से राम लीला में आप मुझसे भी ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भैया नारी बन के प्रगट हुई हो, इतना सुंदर बन के आई हो। राघव ने जब पहली बार देखा तो राघव ने कहा, अरे तीन लोकन ते नारी ओ सीता रानी हमारी, तीन लोकन ते नारी ओ सीता रानी हमारी, तीन लोकन ते नारी सीता रानी हमारी, तीन लोकन ते नारी सीता रानी हमारी, रानी हमारी रानी हमारी रानी हमारी हमारी, तीन लोकन ते जानकी को मनाना होगा, जानकी भक्ति है और भैया जहाँ भक्ति है वहाँ राम खुद चल के आते हैं। जानकी अयोध्या नहीं आई, राम जनकपुर में गए हैं। क्यों? जानकी जनकपुर में तो राम जनकपुर में चले गए, अयोध्या छोड़ गए। और जानकी भैया भारत छोड़ के लंका जाएगी तो राम भारत छोड़ के लंका चला जाएगा। जहाँ मेरी भक्ति है मेरा राघव वहाँ है, इसलिए भैया जानकी भक्ति को अंदर बिठाइए, राघव अपने आप चलाएगा, उसे ढूंढना नहीं है, उसे कहीं लेने नहीं जाना, वो सालासर नहीं वो यही सालासर बना देगा। लेकिन भैया पहले चुंबक में दम पैदा करो, चुंबक में दम होगा तो लोहा आएगा और चुंबक में दम नहीं तो भैया लोहा कितना ही घुमाओ वो वहीं पड़ा रहेगा। इसलिए चुंबक दम है तो भैया हाथ उठाइएगा, देखिए कितना दम है आपकी चुंबक में, राघव आएगा कि हाथ उठाइएगा, ठंड लग रही है और भैया हाथ नहीं उठाओगे तो राघव देख रहा है।
वो कह रहा है कि मैंने तुझे दो हाथ दिए और जीव तू फिर भी नहीं उठा रहा, तो वो देख रहा है, वो कह रहा है मैंने दो हाथ दिए तू फिर भी नहीं उठा रहा, तो मैं अगले जन्म में तुझे दो हाथ नहीं दूंगा, इन दो हाथों की जगह दो पैर और दे दूंगा, फिर तू चार पैर वाला हो जाएगा, कोई नहीं तुझे कहेगा कि हाथ उठा। इसलिए भैया जो चार पैर वाला अगले जन्म में नहीं बनना चाहता वो हाथ उठाइएगा, पूरे पूरे हाथ उठाइएगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। खुशी का दिन, आप जोरदार तालियां बजाएं, तालियों के लिए हर बार कहना पड़ता है, तालियां बजाने से आपको रोज बताता हूं दो तीन काम होते हैं, एक तो जो आते हैं उनका मान सम्मान होता है, मक्खी मच्छर पंडाल से दूर भाग जाते हैं, तो हर तरफ से अपना ही फायदा है। और इनकी हम तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मैं हर रोज कहता हूं लेकिन हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में रोज नहीं होते हैं, कि हमारा तो ये काम है, हम इस गांव में बैठे हैं, हमने तो यहाँ दान धर्म देना है, हमने इस मंदिर को बनाना है, बाहर से ये लोग आकर के हमें आर्थिक रूप से सहयोग देते हैं अपने कीमती समय में से समय। कि आज हमें इस धार्मिक आयोजन पर आमंत्रित किया गया, हम बड़े आभारी हैं ग्रामवासियों के भी, सेवा समिति के भी, इन्होंने जब जब अवसर मिला हमें याद किया और हमारा जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया यहाँ बना रहा। मैं परमपिता परमात्मा से
गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहे। हम जिस मुहिम को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं, वो लक्ष्य हमारा पूरा हो। और लक्ष्य हमारा एक ही है कि परमात्मा को याद करना और उसकी सानिध्य में अपनी छवि को देखना। जय हिंद। स्कूल में गए हो तो स्कूल के हो जाओ, अस्पताल में गए हो तो स्कूल के हो जाओ, अस्पताल के हो जाए। गांव में है तो ग्रामवासी, शहर में तो शहरवासी। अब यहाँ आप सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग का आनंद होता है मन से। अगर आप मन से जुड़े हुए तो सत्संग, नहीं तो मैं सोचता बैठा रहूँ कि मैंने सिरसा जाना है और मेरी मैडम बस स्टैंड पर बैठी है, उनको बाद में पता लगा यहाँ अभी फोन आया था। अगर मैं सोचता रहूँ कि मैं सिरसा में, तो सत्संग में रहने का फायदा नहीं है। और एक मेरे को बड़ी खुशी हुई, मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट मेरे को पीछे देख के संकुचा रहे थे, बड़ी अच्छी झांकी के लिए तैयार हुए बैठे हैं। मुझे खुशी हो रही है उनको देख के, उनकी झांकी देखेंगे आज वो बड़े, क्योंकि स्कूल में तो वो करते ही रहते हैं, स्कूल में बड़ा मन लगाने वाला प्रोग्राम करते हैं छोटे छोटे बच्चे। आज यहाँ भी देखने को मौका मिल रहा है, तो यही हमारा सौभाग्य है आपके बीच आज आए सभी ग्रामवासियों के बीच। जैसे जैसे जब मौका मिलेगा हमेशा आपके बीच मिलेंगे। धन्यवाद। शास्त्र अर्जुन भी आया है, रावण भी आया है, संपूर्ण रघुवंश के भी भैया आज योद्धा परम क्षत्रिय यहाँ प्रकट हुए हैं। लेकिन जब समस्त राजा आसभा में आए हैं, लेकिन जब आज विश्वामित्र के साथ मेरे राघव ने और लखन ने भैया इस यज्ञशाला में प्रवेश किया, तो तुलसी बाबा लिखते हैं, आइए सब मिल करके गई और कहिएगा, रंग भूमि जब ये पगदाजी, रंग भूमि जब ये पगदाजी, जैसे रंग भूमि जब सिय पग धारी, कहा कि देखे रूप मोहे नर नारी। समस्त भैया आज जनक सभा में सब मेरे राघव को देख करके मोहित हो गए, लेकिन कोई तो आज प्रसन्न होता है कि इतने सुंदर दो नव युवक सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी पर पहली बार देखा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई तो कह रहा है कि ओहो ये सुंदर नव युवक ही सुंदरों से तोड़े हमारी जानकी को यही लेके जाए, कोई कहता है कि कोई हंकारी राजा था वो कह रहा ओहो ये इतने प्रतिष्ठित राजाओं की सभा में ये बच्चे कहां से आ गए, ये हाशिया करवाएंगे, क्या इसको किसी ने रोका नहीं, कुछ ने कहा ओहो ये तो मेरे साक्षात ब्रह्म आ गए हैं। लेकिन भैया जानकी ने देखा तो कहा कि ये तो मेरे साक्षात जगदीश्वर आ गए हैं। देखो राम एक है, लेकिन जनकपुर की सभा में सब उसे किस किस नजर से देख रहे हैं। कोई कह रहा हो बाल बच्चा आ गया है, कोई कहता नहीं नहीं ये तो ब्रह्म आया है, दूसरा कहता नहीं नहीं ये तो जानकी के साक्षात विधाता ने जोड़ी बना के भेजी भैया, ये उसी के लायक आया है। कोई कहता है ओहो ये हमें आनंद देने आया है, कोई कहता है ओहो ये हास्य बनने आया है। देखो चीज एक है, सब देख रहे हैं, लेकिन देखने का सबका नजरिया है अलग अलग है। कोई कहता है कि परमात्मा सगुण है, कोई कहता है कि परमात्मा निरंकार है, कोई कहता है कि परमात्मा भैया मुरली वाला है, कोई कहता है कि परमात्मा धनुष वाला है, कोई कहता है कि परमात्मा नानक संत रूप है, कोई कहते हैं कि परमात्मा योद्धा भैया गुरु गोविंद सिंह रूप है। किसकी मानोगे, सारी उम्र इसी जंजाल में गुजरती जा रही है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे, जो हमें बताता है वो भी उलझा हुआ है और हमें भी उलझा रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम निर्णय नहीं ले पा रहे, 70-70 साल के हम हो गए हैं, जिंदगी में कोई चौखट नहीं छोटी हमने जहां माथा नहीं टेका, चाहे खुशी में चाहे गम में,
कोई चौखट नहीं छोड़ी जहां में माथा ना टेका हो, चाहे विश्वास से टेका हो, चाहे मजबूरी में टेका हो, चाहे भैया हमने अगले का जमाने के लिए टेका हो, टेका जरूर है। लेकिन अब तक ये नहीं पता लगा कि भगवान किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नजर उसे पहचानने के लायक नहीं हुई। कभी तो सोचते कि वो है, कभी सोचते वो नहीं है, कभी सोचते वो दशरथ का बेटा होगा, तो कभी सोचते हैं भैया वो कालूराम मेहता का बेटा होगा। मन में विचार नहीं प्रकट हो रहा कि वो है क्या। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है हमारी। और ये राम कथा का बाल कांड चल रहा है, कल अयोध्या कांड चलेगा, जब राघव वनवास जाएंगे तो अयोध्या कांड से जाएंगे। ये बाल कांड राम कथा का, ये बाल कांड, अभी राघव मेरे बालक हैं, और बाल कांड में सबसे सुंदर जीव की, जब तक जीव जवान ना हो जाए उसे कुछ नहीं करना, उसे अपनी नजर शुद्ध रखनी है। नजर शुद्ध है तो परमात्मा आपको दिखेगा। सिया राम में सब जग जान, करहु प्रणाम कोरी जुग पानी। जैसी सबने किसने कुछ कहा, राघव बैठ गए। जैसी राघव बैठे सबने दृश्य तोड़ना चाहा, 10,000 कट्ठे राजा कट्ठे खड़े हुए, दृश्य हिला नहीं, सब हार गए। भैया शास्त्र अर्जुन भी हार गए, बानासुर भी हार गए, रावण भी हार गया, दोष नहीं हिला। जैसे दोष नहीं हिला तो जनक दुखी हुए। जनक ने कहा कि यदि मुझे पता होता कि इस पृथ्वी पर योद्धा ही नहीं है तो मैं ये संकल्प नहीं लेता। मैं अपने आज घर में विद्वानों के सामने मैं अपना हास्य नहीं बनता। क्या ये भूमि वीरों से छूनी हो गई है? क्या मेरी बेटी मैं कन्यादान सारी उम्र नहीं कर पाऊंगा? जैसी जनक आज सिंहासन पर उठ करके विधाता को रोने लगा तो लखन खड़े हो गए। लखन ने कहा कि जनक क्षमा करें, जहां रघुवंश बैठा हो वहां आपको ये बात कहना शोभा नहीं देती। लखन ने कहा कि मेरे राघव, मेरे बड़े भैया का भैया इशारा हो जाए, हुक्म नहीं इशारा हो जाए। तो लखन ने कहा इस धनुष को तो मैं उठा करके 7 योजन 7 समुंदर पार फेंक दू। जनक एक बार मेरा भ्राता मुझे, मेरा राघव मुझे इशारा करे। देखो लखन इतनी ताकत है लेकिन परमात्मा की मर्यादा से बाहर नहीं है। जो जीव बाहर मर्यादा से जाता है। आज लखन ने कहा जनक जी यहाँ रघुवंश बैठा है, इस भैया धनुष की तो क्या बात, पूरम ब्रह्मांड में आज हिला दूं। आज लखन ने कहा हमारे राघव भैया का एक बार इशारा हो तो पूरन जनक ब्रह्मांड में भैया उठा लूं। तो जनक जैसी राघव ने लखन से कहा, लखन रुकिए जरा शांत रहिए। विशिष्ट ने लखन की तरफ राघव की तरफ देखा। गुरुजी ने राघव से कहा, राघव जाइएगा जाइएगा, जनक की शंका को मिटाइएगा। आज गुरु आज्ञा से मेरे राघव उठे। राघव ने गुरु को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसी श्रीम दृश्य की तरफ चले हैं। देखो अब तक जितने भी राजा दृश्य उठाने के लिए चले थे, अब तक जितने भी राजाओं ने दृश्य तोड़ने की कोशिश की है, सब ने उठते यही कहा कि मेरे में बहुत ताकत है, मैंने गोल्ड मेडल जीता है, मैं कभी हारा नहीं कुश्ती में, मैं तोड़ दूंगा, मैं इसे उठा लूंगा। लेकिन मेरे राघव जब खड़ा हुआ तो राघव ने ये नहीं कहा कि मैं योद्धा हूं, मैं परमात्मा हूं। राघव गुरु की शरण में गया और बोले, गुरु जी यदि आपकी कृपा हो तो ये धनुष कुछ भी नहीं है, ये मैं तोड़ूंगा, यदि आपकी कृपा हुई तो। देखो आज परमात्मा भी गुरु शरण में जाके कहता है कि गुरुदेव आपकी कृपा से होगा। जब हम अपने में अहंकारी हो जाता है जी, जब आप परमात्मा से गुरु से दूर जाओगे तो अंधकार में चले जाते हो। आज राघव ने विशिष्ट को प्रणाम किया, जैसे विशिष्ट को प्रणाम किया प्रभु, जैसे भैया मंच पर गए, जैसे शिव धनुष को एक हाथ से उठाया है, आज लखन खड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, लखन धनुष तो राम ने तोड़ना है, आप क्यों खड़े हो गए? आपका थोड़ा ना जोर लगेगा, जोर तो राघव का लगेगा। लखन ने कहा, गुरु जी माफ करना, मैं शेषनाग हूँ और मेरे शेषनाग के प्रांगण में मेरा भगवान सोता है, मेरे सिर पर पृथ्वी खड़ी है। आज लखन ने कहा, गुरु जी मेरा भैया राघव
जब धनुष तोड़ेगा शिव धनुष तो पृथ्वी कांपेगी, आज दशों दिशाएं कांपेंगी, आज पृथ्वी फट भी सकती है, इसलिए आज मैं शेषनाग अवतार खड़ा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं संभाल लूंगा, आज मेरे राघव पर मैं आज नहीं आने दूंगा। जैसी लखन खड़े हुए, जैसी राघव भैया मंच पर गए, जैसे शिव धनुष को उठाया, प्रभु दो चाप खंड मही डाले, जैसी शिव धनुष को उठाया है, जैसी तार को खींचा है, और जैसी खींचा तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोक सब भय डारे, जैसी खींचा तो शिव धनुष के भैया दो खंडित तो हो गए। वही श्री रामचंद्र भगवान की जय। शिव धनुष जनक प्रसन्न हुए, जानकी की माँ सुनैना प्रसन्न हुई, सब ऋषि प्रसन्न हुए, लेकिन वहां जो राजा बैठे थे दुखी, उनका हो इन बच्चों ने धनुष तोड़ दिया, पकड़ लो ये जा ना पाए। जैसे कहा पकड़ लो, सब खड़े हो गए, खड़े हो गए तो परशुराम आ गए। जैसे परशुराम आए, जैसे हाथ में परसा लिए, वहां परशुराम आए हैं, और जैसे भैया परशुराम आए हैं, सबने राजाओं ने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, परशुराम की शरण में बैठ गए। बड़े बड़े राजा रावण जैसे, शास्त्र अर्जुन भी आज परशुराम की शरण में बैठे, सबने कहा महाराज हमने कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, परशुराम जी यहाँ शांति है, आप भी बैठ जाओ। जैसे ही परशुराम ने सबके हाथ जोड़े, परशुराम प्रसन्न हुए, परशुराम ने भैया जनक से मिले, जनक ने कहा मेरी बेटी का स्वयंवर है, जैसी स्वयंवर है, परशुराम प्रसन्न हो गए। लेकिन परशुराम ने जैसी प्रसन्न हो करके घूम करके सभा में रखे टूटे शिव धनुष के दो टुकड़े देखे, अब भैया क्रोधित हो गए परशुराम। अब परशुराम ने कहा ये गलती किसने की, शिव धनुष को तोड़ दिया, कौन है वो मेरे सामने आए, ये पिता मेरे सामने आए, तो राघव भैया आगे आए हैं। राघव ने हाथ जोड़ के कहा नाथ शंभु धेनु बज निहारी, होई कौ एक दास तुम्हारो, मैं तुम्हारा छोटा सा दास। राघव हाथ जोड़ करके परशुराम से कहते हैं कि क्रोध मत करिए हे विप्र, मैं आपका एक दास, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये गलती मुझसे हुई है। जैसे कई बोले गलती नहीं है, तूने पाप किया है, तूने शिव धनुष तोड़ दिया। तो राघव ने कहा मैं तो आपका सेवक हूँ। तो परशुराम ने कहा सेवक जो से करे सिवकाई, सेवक तो उसे कहते हैं जो मालिक की सेवा करे, लेकिन तूने तो मेरा जख्म ही जो है छेड़ दिया, तूने शिव धनुष तोड़ दिया। तो लखन ने लक्ष्मण बोल पे, लक्ष्मण बोले अरे भैया क्या तेरा नवर छेड़ दिया, तू क्या करेगा बता। परशुराम ने कहा अरे भैया ये बड़ा सो बड़ा, ये छोटा कोई और ही खड़ा हो गया। परशुराम ने कहा कि अरे भैया कौन हो। लखन ने कहा हम आपके के जैसे हैं। परशुराम ने कहा आप कौन हो। लखन ने कहा हम आप जैसे हैं, आप क्रोधी हो तो मैं भी क्रोधी हूँ, इनसे क्या बात करते हो, ये हमारे बड़े भैया हैं जो हाथ जोड़ के करे, आप मुझसे बात करो। परशुराम ने राघव से कहा ये हमसे मिटेगा क्या, ये मुझे जानता नहीं, ये आज मुझे बाल हत्या लगेगी। तो भैया लखन ने कहा अरे धनुष का टूट गया तो आप हमारी जान लेने पर तुले हो, धनुष पराना था टूट गया। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी यदि धनुष से इतना प्रेम है तो मिस्त्री बुलवाओ, जुड़वाओ, ले जाओ, हमने तो तोड़ा है, हमने तो घर तोड़ा लेके गए हैं, यदि तुझे धनुष से प्रेम है तो भैया जनकपुर में मिस्त्री बुला, इसको जोड़, इसको ले जाओ। परशुराम ने कहा मुझसे ऐसी बात करते आज तक मुझसे कोई आगे नहीं बोला। लखन ने कहा आज तक तुझे कोई भैया रघुवंशी नहीं मिला, आज तक तुझे कोई रघुवंशी नहीं मिला। परशुराम ने आपस में बहुत हुआ, लेकिन आखिर में राघव ने हाथ जोड़े, परशुराम ने राघव की छाती पर ब्रह्म ऋषि का निशान देखा, प्रणाम किया और कहा कि जैसे प्रणाम किया विवाह पूर्ण, जयमाला जानकी आई, राम को जयमाला डाली, जानकी ने जयमाला डाली, और दशरथ जनक ने अवध में संदेश भेजा, अवध में संदेश भेजा, दशरथ के पास संदेश आया और बरात की तैयारी हुई। आज दशरथ ने अवध से बरात रवानगी हुई, संपूर्ण आज रघुवंश परिवार
जनकपुर की तरफ जा रहा है। जनकपुर में जैसी संपूर्ण अवध गया है, जनक ने स्वागत किया, रहने की व्यवस्था की, मेरे राघव को दूल्हा बनाया जा रहा है। राघव को दूल्हा बना करके भैया जैसी घोड़ी पर बिठाया है, तुलसी बाबा ने राम कथा में लिखा कि राघव मैं आपकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। तुलसी बाबा ने कहा तेरा किसने किया श्रृंगार सावर, तेरा किसने किया श्रृंगार सावर, तेरा किसने किया श्रृंगार सावर, तू तो लागे दुल्हा जा दिलदार सावर, तू तो लागे दुल्हा जा दिलदार सावर, तेरा किसने किया श्रृंगार सावर, तेरा किसने किया। हमने शादी शुरू करी है, हमारे बीच में हमारे परम अतिथिगण भी आए हैं, गुरुदेव आए, और आज मेरे ठाकुर की शादी भी जो हुई तो भैया वो भी गुरु कृपा से हुई, वो भी गुरु कृपा से हुई। विशिष्ट ने विश्वामित्र ने मनाया, और आज हमारे मंच पर भी अतिथि देवो भव के रूप में भैया गुरुजन आए हैं। वो ये गुरु उस वो गुरु भैया मंदिर आपका विद्या मंदिर और ये रघुवीर मंदिर, दोनों ही मंदिर हैं, दोनों ही मंदिर हैं। और हम तो प्रार्थना करते हैं आए हुए हमारे परम आदरणीय अतिथिजन कि परमात्मा आपको और बहुत कृपा करे, आपके माध्यम से हमारे देश का बच्चे और आपके माध्यम से उच्च स्थान पर जाएं, और मर्यादा का इस भारतीय संस्कृति का और इस भारत का नाम ऊंचा करें। आए हुए आप सब अतिथिगण को यही हमारी शुभकामना, और आइए सब मिलकर के हाथ उठा करके अभी जानकी आएगी और अभी जयमाला होगी सांगर में राम की। आपसे हमारी सबसे प्रार्थना है आप ऐसे बैठे रहिए, गाइएगा और सब गाइएगा, तेरा किसने किया श्रृंगार सावर, तेरा किसने किया श्रृंगार सावर, तेरा किसने किया श्रृंगार सावर, तू तो लागे दुल्हा सा दिलदार सावर, तू तो लागे दुल्हा सा दिलदार सावर, तेरा किसने किया श्रृंगार सावर, तेरा किसने किया श्रृंगार सावर। मनिया गिरी चंदर के सर तिलक लगाया, मनिया गिरी चंदर के सर तिलक लगाया, मोर पर कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, मोर पर नेत्रों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, जो महकता रहे दरबार सावर, जो महकता रहे दरबार सावर, किसने किया मस्तक पर मलयागिरी चंदन केसर तिलक लगाया, 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 मोर मुकट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकट कानों में चित्र बहुत बरसाया, एक तारे दरबार सावरे, जो एक तारे दरबार सावरे, तेरा
जय हो, ताली बजाइए, नचान की आई है, भैया ताली खाते हो। श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे तू तो लागे दुल्हार सा, श्रृंगार सावरे तू तो लागे दुल्हार सा, श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया, 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 श्रृंगार सावरे। जय जय सीताराम। ऐसे सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसे सजा दो मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। बजाते हुए हाथ खड़े करके बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। ऐसा तुम दूल्हा जो कबहू न रूठे, चोरी जो कबहू न टूटे, चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसा तुम दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा तुम दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन।
मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन हरे ओम सती न इंद्र वृद्धवा सती न स्वस्ति के साथ जय हो श्रीरामचंद्र भगवान की जय, श्रीरामचंद्र भगवान की जय, सब खड़े होंगे प्रभु बैठ जाएंगे और सब तिलक करेंगे आगे आकर के संपूर्ण नगर से मेरी प्रार्थना। आइए सब खड़े होंगे, सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो गए, भगवान को बताइएगा। हम राम कथा मंदिर की ओर से जो हमें यहाँ पे बुलाया गया है, माता हर की देवी स्कूल ओडा से हम यहाँ पे राम कथा सुनने के लिए आए हैं। तो चैनल का, इस मंदिर निर्माण की ग्राम पंचायत का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें यहाँ साधन आमंत्रित करके यहाँ आने का मौका दिया, और पूरे ग्राम वासियों का हम धन्यवाद आभार करते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से इस गाँव में इतना ज़्यादा धर्म का प्रचार हो रहा है, आप लोग शुभ कार्यों में अपना समय और धन दोनों ही दे रहे हैं, आप हमें भी आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि माता हर की देवी स्कूल ओडा भी ऐसे ही धर्म के रास्ते पे चलते हुए बच्चों को विद्या की तरफ लेके जा सके। आज के इस भव्य प्रोग्राम में पहुंचकर मुझे बहुत ही आनंद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि रघुनाथ मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो निर्बाध बिना किसी वादा के विघ्न के पूरा हो। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो कार्य हम लोग स्कूल में कर रहे हैं आप लोग भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। बच्चों के संस्कार, मुझे लग रहा है इन कथा प्रवचनों से उनमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी, और आप हमारे साथ मिलकर बच्चों में जो संस्कृति, जो संस्कार पैदा कर रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत ही खुशी है, और आप सबका आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। ग्राम वासियों की तरफ से श्रद्धालुगण को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद। उन्होंने व्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, वो भी 5100 रुपए यहाँ भेंट कर 5100 रुपए तालियां बजा दो मैं। 5100 रुपए श्रीमान केशव राम जी सुखीजा, वो भी सलाम। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिजू वाली का समस्त स्टाफ इस संस्था को दे रहे हैं, अब उनका भी बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर भी और इस सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपए बांके बिहारी महिला मंडल बिजू वाली, वो भी संस्था को दान दे रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां बजा दिया करें, हर बार कहने की जरूरत ना पड़े। तो और उन्होंने एक बात ये कही है कि जब ये मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा, इसके अंदर जो घंटा लगना है बड़ा, तो वो जितने पैसे का मर्जी हो, जितने का मर्जी हो, वो बड़ा घंटा ये बांके बिहारी महिला मंडल बिजू वाली यहाँ मंदिर को डोनेट करेंगे, इसके लिए भी इनके लिए जोरदार तालियां। 101 रुपए निखिल मेहता जी सलवाड़ा से हैं, इतनी दूर से आकर के हमें योगदान दे रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपए ये छोटा सा बच्चा है अर्णव मेहता, सनुप श्री भजन लाल जी मेहंदी रत्ता, ये भी इस संस्था में दान दे रहे हैं। ये सुबह मुझे बता रहे थे इनके ताऊ जी का नाम राम है। ठाकुर के इस प्रांगण में सह परिवार आज में ठाकुर के इस आनंद में संपूर्ण नगर शामिल होता हुआ, आइएगा एक भजन के माध्यम से आनंद ले। और क्या कहना है, आज मेरे शाम की शादी 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 है,
है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे आम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। Yeah.
मुट्ठी वाला लुट ले गया, जिसकी पतंग कट गई से मुट्ठी वाला लुट ले गया। भैया इस कथा से किस और किसी का दिल की पतंग नहीं कटी, ये गिने चुने लोगों की दिल की पतंग कटी इस कथा से, नहीं सबकी नहीं कटी। भैया जिसकी डोर इस कथा से फंसी है मेरे ठाकुर से, वो हाथ उठाइएगा, पूरे पूरे हाथ उठाइएगा। मुरली वाला लुट ले गया, दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया, लुट ले गया, बुल्ले वाला लुट ले गया, बुल्ले वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, के बुल्ले वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, के बुल्ले वाला लुट ले गया। सावर कन्हैया से पेच लड़ाया था, पेच लड़ा के मैं तो बड़ा बचताया था, पेच लड़ा के मैं तो बड़ा बचताया था, कन्हैया से पेच लड़ाया था, सावर कन्हैया से पेच लड़ाया था, पेच लड़ा के मैं तो बड़ा बचताया था, पेच लड़ा के मैं तो बड़ा बचताया था, जाने कैसे फंस गई के मुरली वाला लुट ले गया, मेरी चोर जाने कैसे फंस गई के मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुट्ठी वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुट्ठी वाला लुट ले गया, मुट्ठी वाला लुट ले गया, मुट्ठी वाला लुट ले गया, दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। जय हो हरि हो। पतंग मेरी प्रेम वाली चोर से काट दी, पतंग मेरी प्रेम वाली चोर से फसाई डोर खाना ने जोरी से, डोर में फसाई डोर खाना ने जोरी से, पतंग मेरी प्रेम वाली चोर से काट दी, पतंग मेरी प्रेम वाली चोर से, डोर में फसाई डोर खाना ने जोरी से, डोर में फसाई डोर खाना ने जोरी से, छलिया की चाल चल गई के मुरली वाला लुट ले गया, इस छलिया की चाल चल गई के मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लुट ले गया। राधे 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 राधे। नाचिएगा कहा है भजन और गाइएगा और सबने नाचना है। नी मैं नचना मोहन दे नाम, नी अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाम, नी अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाम, नी अज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे मैनू नच लैन दे, नच लैन दे मैनू नच
नचनैन दे नी मैं नचना मोहन दे ना नी अज मैनू नचनैन दे नी मैं नचना मोहन दे ना नी अज मैनू नचनैन दे भवम भवानी सर
कम नमामी। आरती श्री रामायण दे के आरती श्री रामायण दे के रात काले ललित सिया पे के रात काले ललित सिया पे के गावत गमारे के मुनि नारद गावत गमारे के मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सन काज शेष अनुसारद सुख सन काज सारद भरण पवन सुत कीर्ति के भरण पवन सुत कीर्ति के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण आश्रद गावत वेद पुराण आश्रद छेउ साच सब ग्रंथन कोरत छेउ साच सब ग्रंथन कोरत मुनि जन धन संतन को करब मुनि धन जन संतन को करब सारे अंत सम्मत सब एक आरती श्री रामायण जी की आरत कलित ललित सिया पे की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अर घट संभव मुनि विज्ञानी अर घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि करी बाज बखानी व्यास आदि करी बाज बखानी ताकब सोन गरुड़ जी के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पे की कीरत कलित ललित सिया पे की कलिमल हरण वेरस फेके कलिमल हरण वेरस फेके सुभग सिंगार मुक्ति जुग टेके सुभग सिंगार मुक्ति जुग टेके दलन रूप भव मोर अमेके दलन रूप भव मोर अमेके तात बात सब विधि तुलसी के तात बात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के बहु श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री राम कृत मानस की जय बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री संत समाज की जय भक्त और भगवान की जय आज के आनंद की जय नगर फेड़े की जय।